कैसे हैं आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 19.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने पहले कर लिया है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से क्या है क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। एक ही ग्राफ पेपर पर ये पॉइंट्स को हम लोगों को प्लॉट करना है। जैसे कि पॉइंट ए क्या है, देखिए 2.5/2, बी क्या है -3/2.3, सी क्या है 1/2 और -3/2, डी क्या है -5/2 और -1/2। इन सभी पॉइंट्स को क्या करना है, हम लोगों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पॉइंट ए, इसे करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग ग्राफ पेपर पे एक्सेस बना लेंगे। ये जैसे मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया, ये देखिए, ये मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया, इस पर मैंने एक्सेस बना लिया है, ये मैंने एक एक्सेस बना लिया है, ये आई होप आपको दिखता होगा। अच्छा बिल्कुल ठीक, अच्छा तो ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये ज़ीरो, और हर एक दो दो बॉक्सेस को मैंने एक का इंटरवल लिया है, ये 1, 2, 3, और ये वाई का माइनस, वाई का पॉजिटिव 1, 2, 3, वाई का माइनस नीचे -1, -2, -3, एक्स का माइनस -1, -2, -3। ये इस तरह से हम लोगों ने नंबर्स ले लिया है। आइए अब एक एक करके प्लॉट करते हैं। इसका देखिए सबसे पहला पॉइंट जो करना है आपको, जो सबसे पहला प्लॉट करना है वो क्या है, देखिए इसमें जो प्लॉट करना है पहला क्या है, 2.5/2, 2.5/2, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, 5/2 मतलब 2.5, 2 और 2.5, x2 y 2.5, इसे कैसे प्लॉट करेंगे, x2 y क्या था 2.5 y 2.5, तो ये 2 है, ये 3 है, तो ये 2.5 ये हुआ ना, ये हो गया, ये क्या है, ये a है, a इसका नाम क्या है a, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था 2.5/2, ये आपने प्लॉट कर दिया, एकदम सिंपल। दूसरा पॉइंट देखिए पॉइंट बी, पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी क्या प्लॉट करना है हम लोगों को, पॉइंट बी में है -3/2 और 3, 3/2 का मतलब क्या होता है 1.5, -1.5 और 3, -1.5 और 3, -1.5 मतलब x में माइनस चाहिए, -1.5, तो ये 1 है ये 2 है, 1.5 ये रह गया, y कितना था 3, मतलब यहाँ y क्या था 3, तो ये हो गया आपका b, ये हो गया पॉइंट b, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था, इसका कोऑर्डिनेट था आपका -3/2 और 3, -2/2, 3/2 और 3, तो ये पॉइंट बी हो गया। इसी तरह देखिए पॉइंट सी, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट जो हम लोग को लोकेट करना है वो क्या है, तीसरा पॉइंट जो है ये 1/2 -3/2, 3/2 मतलब 1.5, एक्स क्या है हाफ, वाई क्या है -1.5, अच्छा एक्स हाफ है, एकदम सिंपल, देखिए ये एक्स पॉजिटिव है, एक्स हाफ है, ये 1 है ये 0 है, तो हाफ कहाँ है, यहाँ पे एक्स हाफ है, अच्छा एक्स हाफ, वाई क्या था -1.5, वाई क्या है यहीं से वाई नीचे जाएगा 1.5, तो ये 1 है ये 2 है, तो ये 1.5 कौन सा पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट को क्या नेम देंगे हम लोग, नाम देंगे सी, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या था 1/2 -3/2, तो ये पॉइंट सी हो गया। एक और पॉइंट आपको लोकेट करना है, इस पर एक और पॉइंट लोकेट करना है, देखिए पॉइंट डी, पॉइंट डी क्या है आपका -5/2 -1/2, 5/2 मतलब 2.5, एक्स क्या है -2.5 और वाई क्या है -1/2, एक्स है -2.5, एक्स क्या है आपका -2.5, देखिए तो ये -2.5 कहाँ, -2 है -3 है, तो ये -2.5, वाई क्या है -1/2, नीचे की तरफ हाफ, ये है -1/2, तो ये पॉइंट हो गया आपका ए बी सी हो गया, ये डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5/2 और -1/2। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था, ये देखिए कितना इजीली ये कंप्लीट हो गया, बस इसको कुछ और नहीं करना था, सिर्फ आपको प्लॉट करना था। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। इन पॉइंट्स को हम लोगों को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ये पॉइंट्स क्या क्या है इसे मैं पहले यहाँ पे उतार लेता हूँ। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। देखिए पॉइंट ए जो है वो क्या है, 4/3, -1, ये पॉइंट ए है। एकदम आसान है, एकदम आसान। पॉइंट बी देखिए क्या है, 7/2, -5/3, ठीक है। अच्छा पॉइंट सी देखिए क्या है, 13/6, 0। यहाँ जो पॉइंट डी है, पॉइंट डी वो देखिए, पॉइंट डी क्या है, -5/3, -5/2, ये आपका पॉइंट डी है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करिए। देखिए ये जो पॉइंट ए है इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 4/3, -1, -1, ठीक है। ये जो पॉइंट बी है इट 7/2, 3.5, और ये 1, 2/3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा ये जो सी है 13/6, तो 6 2 12, 2 1/6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा ये जो डी है ये 3 1 3, 1 2/3, और 2 1/2, -2 1/2, इसे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इन प्लॉट्स को हम लोगों को ग्राफ करना है, बस इसको ग्राफिकली हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये भी कोई मुश्किल नहीं है, एकदम मुश्किल नहीं है। बस एक बार थोड़ा ध्यान से यदि आप लोग देख लेंगे तो एक बार में ही आप समझ जाएंगे, और बहुत ही ईजीली इन तरह के ग्राफ को आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ देखिए मैंने कुछ एक्सेस बना रखा है पहले से, यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेस बना रखा है। जैसे देखिए ये जो एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ये 0 से 1 है, तो नंबरिंग दे देते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। ये माइनस का है तो ये -1, -2, -3, ऊपर नीचे तो नंबर दिया हुआ है, ऊपर नीचे नंबर दिया हुआ है। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको ए को प्लॉट करना है। एकदम ध्यान से देखिएगा, ए को प्लॉट करना है तो क्या है, एक्स पे क्या है 1, 1/3, एक्स पे क्या है 1, 1/3। इसको कैसे प्लॉट करेंगे सर, 1 तो ये है, अब 1/3 इस लाइन का 1/3, तो देखिए 1/3 कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए कितने बॉक्सेस है, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, ये ऐसे दिख रहा है। तो इसको हमको ऐसा बनाना होगा ताकि ये 6 इंटरवल में बन जाए, ताकि ये जो है या तो 3 या फिर 6 में बन जाए। यदि हम लोग इसको 3 बनाना चाहें तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से एक इंटरवल ले लिया हम लोगों ने, इसको हमने 2 इंटरवल कर दिया, और ये जो है वो 3rd इंटरवल हो गया। ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा, मतलब 1 से 2 के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको 3 इक्वल पार्ट में आपको डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट में। तो फिर क्या होगा, 1 तो ये पहुंच गए आप, फिर 1/3 माने आउट ऑफ 3 एक को लेना है, आउट ऑफ 3 एक को लेना है, मतलब आपको ये लेना है। और वाई क्या है, -1, वाई क्या है -1, यहीं से नीचे आना है, नीचे आना है। तो यहाँ से जब आप नीचे आएंगे, वाई -1 कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आया। तो इस तरह से ये आपको प्लॉट मिल गया, ए का पॉइंट मिल गया। क्या है ए, 1, 1/3, -1, ये 1। अच्छा इसका देखिए पॉइंट बी क्या है, 3.5 और 1, 2/3, 3.5, एक्स क्या है 3.5, 3.5, तो ये 3 और ये 3.5, ये एक्स मिल गया। वाई क्या है, वाई क्या है, वाई है 1, 2/3, वाई क्या है 1, 2/3, मतलब यहाँ से 1 और 2/3, 2 से ये, सॉरी ये आपका 3.5 है, 3.5 है, और 1 कहाँ पे, वाई 1 यहाँ पे है, और 1, 2/3 चाहिए, 1, 2/3 चाहिए, तो ये 1 आ गया और ये 2 है। इसके बीच का 2 पार्ट आउट ऑफ 3, तो इसको 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट में ये पूरा लाइन डिवाइड हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1, 2, 3। अब इसमें से लेना कितना है आपको, 2 पार्ट, 2 पार्ट, तो ये पार्ट लेना है,
तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बोलेंगे हम लोग, 3.5, और ये 1 2/3, 1 2/3, इसको लिखने का तरीका यही है। इसके बाद देखिए सी क्या है, 2 1/6 एक्स टू, ये 2 है, 2 के बाद 1/6, 1/6 2 और 3। अब इसके बीच में 6 इक्वल पार्ट्स आपको बनाने होंगे, 6 इक्वल पार्ट्स, तो ये जैसे ये 1 2 3 4 5 और ये 6, आप बॉक्सेस काउंट कर लीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक बॉक्सेस काउंट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे आपको टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है उसको 6 से डिवाइड कर दीजिएगा, कुछ अप्रॉक्स आएगा, जैसे 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 3 का इंटरवल को आप 1 1 मान लीजिए। तो क्या करना है फिर इसके बाद, देखिए 2 तो है गया 1/6, तो ये 6 पार्ट्स का एक पार्ट लेना है आपको, 6 से एक पार्ट लेना है, तो ये पार्ट ले लिया मैंने, ये पार्ट ले लिया, और वाई क्या है, 0, वाई क्या है, 0, तो मतलब ये लाइन यहीं का यहीं रह गया, तो ये मिल गया मेरा पॉइंट सी, मतलब 2 1/6, 0। अच्छा इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है डी, डी में क्या है, -1 2/3, -1, तो ये आ गया 2/3, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इस लाइन को, यहाँ से यहाँ को 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इस 3 पार्ट में से आपको कितने पार्ट लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं, 2 पार्ट लेने हैं, तो ये पार्ट यहाँ आ गया, ये x का पॉइंट मिल गया आपको। y क्या है, -2 1/2, -2 1/2, तो यहीं से आपको -2, तो ये -1, और ये आपका -2, और -2.5, 2.5, तो ये 2.5 हो गया, ये 2.5 हो गया, तो ये पॉइंट जो मिला आपको, ये पॉइंट हो गया आपका D। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 2/3, -2 1/2, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को प्लॉट कर दिया। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजीली आपने इसको प्लॉट कर दिया, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8, इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर दिया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, देखिए ये 3 पॉइंट्स गिवन है, जैसे नंबर 1 का ये 3 पॉइंट्स गिवन है, इन तीनों पॉइंट को आपको प्लॉट करना है, उसके बाद इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने पर जब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड होता है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आता है या स्ट्रेट लाइन बनाता है, तो फिर ये कोलिनियर है, बाकी और ज़्यादा कुछ भी इसमें करना नहीं है। आइए डायरेक्टली इसको करके चेक करते हैं। जैसे 9 का 1 देखिए पॉइंट क्या है, 1, 3, 9 का 1 पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, 1, 3, पहला पॉइंट जो है आपका वो है 1, 3, तो एक्स है 1, वाई है 3, इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये माइनस है, तो -1 -2 -3 -4 और ये -5। अच्छा ये देखिए क्या है, -1 -2 -3 -4 -5, ये पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। आई 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, पहला पॉइंट 1, 3, 1, 3, मतलब x1 y3, ये पॉइंट है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, -1, -1, x-1, y-1, पहला पॉइंट क्या था, x1 y3, तो ये 2 पॉइंट हुआ। तीसरा एक और पॉइंट है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, x-2 y-3, x-2 y-3, ये पॉइंट यहाँ है। आइए अब हम लोग चेक करके देखेंगे क्या ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आता है या नहीं आता है। जब इन तीनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गया, मतलब ये कॉलोनियर है, ये जो पॉइंट है ये कॉलोनियर है, मतलब ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स क्या था, -2, वाई क्या था, -3, तो आप बोलेंगे इसका जो पहला पॉइंट है
ये पहला पॉइंट, ये कॉलोनियर है, ये कॉलोनियर है। आइए इसका सेकंड पॉइंट को चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 1, 2। सेकंड पॉइंट क्या है, देखिए 1, 2, तो x1 y2, x1 y2, ये पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट x2 y-1, x2 y-1, x2 y-1, x2 y-1, ठीक है। इसका थर्ड पॉइंट देखिए क्या था, x-1 y4, x-1 x-1 और y4 y4, x-1 y4, तो ये एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो ये तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करेगा। ये देखिए, ये कुछ लाइन जो है ये ऐसा लाइन बन रहा है, ये ऐसा लाइन बन रहा है, ये इसको जॉइंट हुआ, फिर ये इसके साथ जॉइंट हुआ, तो ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना पाया। इसका मतलब इसका जो सेकेंड वाला जो है ये कॉलोनियर फॉर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए इसी तरह इसका थर्ड पॉइंट क्या है, x0 y1, x0 y1, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, 2, -2, 2, -2, तो ये 2, -2, ये दूसरा पॉइंट, 2, -2, ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था, 0, 1, ये 0, 1, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, 2/3 और y0, 2/3, 2/3, x 2/3 है, तो ये 2 है, 2/3, x है आपका 2/3, तो 2/3, 2/3 का मतलब कितना होता है, देखिए ये 0, यहाँ से जब आपने इसमें डेसिमल दे दिया तो 20 हो गया, 0.6, 18 2, 0.66, मतलब 0.7, 0.7, तो ये 0.7, मतलब यहाँ पे कहीं 0.7 x है, x और y क्या था, 0, y 0 था, तो वो वहीं का वहीं रह गया। तो तीसरा पॉइंट जो मिला आपको, ये पॉइंट मिला। तो इसमें तीन पॉइंट क्या क्या थे, ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। आइए इसको चेक करके देखते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या एक स्ट्रेट लाइन में आता है या नहीं आता है। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, तो ये क्या है, ये कॉलोनियर है। इस तरह से आप बोल सकते हैं इसका थर्ड वाला जो है ये कॉलोनियर है। इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, एक ही ग्राफ में मैंने कर दिया, लेकिन आप ये आप जब करेंगे तो अलग अलग ग्राफ में करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्लॉट द पॉइंट पी -3, 4, ड्रॉ अ पी एम एंड पी एन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम एंड एन। एकदम आसान क्वेश्चन है, पॉइंट पी को पहले आपको लोकेट करना है, -3 और 4। पॉइंट पी क्या है, -3, 4, आपके पास एक पॉइंट पी है, क्या है वो, -3, 4। इस पॉइंट को सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको लोकेट करना है। इस ग्राफ पे जब हम लोग इसको लोकेट करेंगे तो ये कहाँ पे आएगा, देखिए पी क्या है, एकदम सिंपल है, पी क्या है, देखिए -3, पी है -3, -1, -2, -3, वाई क्या है, 4, -3, 4, ये आपका पॉइंट पी है, ये आपका पॉइंट पी है, ठीक है। क्या करना था आपको, इस पे करना क्या है, आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पी एम, किस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, तो एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ कर देना है, ये पी एम, ये मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, पी एम बोला है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ये एम हो गया, ये M हो गया, तो M का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ये M जो है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या बोलेंगे हम लोग, -0, -1, -2, -3, x क्या है, -3, y क्या है, y क्या है, 0, -3, 0, -3, 0, ये M हो गया।
इसके बाद देखिए क्या करने बोला था, एक और पी एन ड्रॉ करना है हम लोग को। ये देखिए पी एन, एक पी एन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, पहला वाला पी एम जो था वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस था। पी एन ड्रॉ करना है जो परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस का, वाई एक्सिस का। तो ये आपका वाई एक्सिस है, बस कुछ नहीं करना है, इसको यहीं से इस पे ज्वाइन कर देंगे हम लोग। इसको हम लोग बोलेंगे पी एन, ये क्या है पी एन, एन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स देखिए क्या है इस पे, एक्स इस पे क्या है, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इसका कोऑर्डिनेट्स, तो ये देखिए एक्स, यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट पी था इसका आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको नेम किया, तो एक्स क्या है जीरो, वाई क्या है फोर, एक्स जीरो वाई फोर, इसको रीड क्या करेंगे एक्स जीरो वाई फोर। इस तरह से देखिए आपने इसके क्वाड्रेंट, एम का क्वाड्रेंट और एन का क्वाड्रेंट मिल गया। क्वेश्चन में बस यही बताना था आपको कि पी एम ये जो लाइन आपने ज्वाइन किया इसमें एम का क्वाड्रेंट क्या है, ये जो आपने एन ज्वाइन किया एन का क्वाड्रेंट क्या है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया।